नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी योग्यता बता देना चाहता हूं। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं के बाद 12वीं भी कर रखे हैं, देन उसके बाद भी आपका एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है इस वैकेंसी के लिए, जहां पे 3591 पदों की वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए 1961 को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 10th के बाद ITI कर रखे हैं कुछ डिफरेंट ट्रेड्स में, मैं वो सारे ट्रेड्स के नाम बताऊंगा, और ये जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 3591 पदों की, इस वैकेंसी के लिए डिवीजन वाइज यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी कि मुंबई डिवीजन, गुजरात डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए आवेदन करने के लिए ₹100 का फीस चार्ज भी आपसे लिया जा रहा है। तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन जरूर करेंगे, लेकिन PWD, ST, SC कोटे और वुमेन कोटे की कैटेगरी के जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पे फीस चार्ज नहीं लग रहा है, तो कोई फीस वहां उनको नहीं देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ, योग्यता। तो योग्यता मैंने आपको बताया कि 10वीं 12वीं के बाद अगर ITI है आपका, वो भी 50% के मार्क्स के साथ, या आपका सर्टिफिकेट जो है NCVT या SCVT से सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पल-पल के अपडेट के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम इसके बारे में सारा डिटेल आपको ऑफिशियल देते हैं, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और कब से कब तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, इसके बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन YT एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। खैर उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद बिहार दरोगा और बिहार फायरमैन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार सिपाही की तैयारी के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल YT एजुकेशन को भी जोड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को भी जोड़ सकते हैं, वहाँ पे रोज क्यूजेस भी हो रही हैं, आपकी तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल देते हैं जहाँ पे रेलवे ने निकाली है 3591 पदों की टोटल ये वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात कर लें कम्प्लीटली, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट की, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सारा डिटेल चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ से सारा डिटेल आपको चेक कर सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे से ये इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड भी जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड भी जरूर कर लीजिएगा और यहाँ से सारी डिटेल आपको देखने को मिल भी जाएंगी ऑफिशियली। वैसे मैंने इसका डिटेल जो है PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है एजुकेशन की एटेसिक से, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों हम सीधे आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि यहाँ पे आपसे मेंशन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ शुरुआत से बात करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट की जा रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, यानी कि RRC की तरफ से ये वैकेंसी है जहाँ पे, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बोला कि ये जो वैकेंसी है ये डिवीजन वाइज वैकेंसी है, तो ये कौन कौन से डिवीजन में यहाँ वैकेंसी है, तो सबसे पहले बात करेंगे मुंबई डिवीजन की, और मुंबई डिवीजन में करीब 738 पदों की वैकेंसी है। उसके बाद बड़ोदरा की, उस वहां पे भी 479 पदों की वैकेंसी है। उसके बाद बात करेंगे अहमदाबाद की, 611 वैकेंसी है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों रतलाम की, तो इन सभी वैकेंसीज के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट में देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले डेट्स की, तो यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 25 तारीख से लेकर 24 जून तक आवेदन करने का समय निर्धारित किया गया है, शाम के 5 बजे तक। तो आपको क्या करना है, 25 तारीख से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप इसके लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं जिसकी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कम्प्लीटली, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सैलरी है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों जो वैलिड आपके पास email ID है, एक फोन नंबर होना चाहिए इसको आवेदन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले, इनकेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ओपन मार्केट पोस्ट का भी निकला यहाँ पे कैटेगरी वाइज Level 1 के लिए, तो आपको वहाँ पे सैलरी जो है 18,000 से लेके 59,900 तक की सैलरी दी जा सकेगी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिटेल है जो कि मैं आपको लगातार देता रहूंगा इस वीडियो के, अपने वीडियोस के माध्यम से।
दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं और बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों ये एज को लेकर भी। तो ये 15 साल से लेकर आप 24 साल तक के छात्र हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। दूसरी चीजें हैं, 24 जून तक आपका एज जो है ये 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। जो कैटेगरी में है दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी में है, उनके लिए यहाँ पे 5 साल और 3 साल का, यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी के लिए और ये एससी एसटी के लिए। जो छात्र पीडब्ल्यूडी और पीएच कोटे से आते हैं उनको 10 साल का, और जो एक सर्विस मैन में है उनको भी 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपको एज क्राइटेरिया को लेकर एलिजिबिलिटी की। लेकिन यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड ऑन द डेट ऑफ द इशू नोटिफिकेशन, यानी कि 18 मई से पहले आपका जो है पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मैट्रिक का, और या तो अगर आप 10th कर चुके हैं और 12th कर रहे हैं उसका भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। 50% एग्रीगेट के साथ आप इसको आवेदन करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि 50% आपका है डिग्री एग्रीगेट तो ही आप आवेदन कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा वीडियो को, आप यहाँ भी छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बोला गया है कि ITI का सर्टिफिकेट होना आपका जरूरी है, जो कि अफिलेटेड होना चाहिए NCVT या SCVT से, कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन ट्रेड्स में फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक और मैकेनिक इन द मोटर व्हीकल, और उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक्स, पाइप फिटर और प्लम्बर और ड्राफ्टमैन और स्टेनोग्राफर, ये टोटल 17 पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए 3591 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें दोस्तों ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज और सब्जेक्ट वाइज लेकर। दोस्तों इन सभी के बारे में सारे डिटेल आप इस पूरे नोटिफिकेशन पे भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बेसिकली आपको सारा डिटेल दे दिया, एज के बारे में बता दिया, डेट्स बता दिए, और फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज यहाँ से लिया जा रहा है वो मैं आपको बता दूं कि 100 रुपया आपसे यहाँ पे फीस चार्ज लिया जा रहा है। यहाँ पे मेंशन किया गया है SC ST और PW और वुमेन कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे यहाँ पे फीस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान जरूर रखेंगे, लेकिन बाकी सारे छात्र जो हैं आवेदन करेंगे। आवेदन करने का जो ये लिंक दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं www.rrcwr.com, तो ये मैं लिंक जो है आपको दे दूंगा जब इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली इसको आवेदन भी जरूर कर सकते हैं। आपने आवेदन करना होगा, वेरीफाई पेमेंट बटन को दबा के यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देना होगा अपने एप्लीकेशन में, जो भी चीजें आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। फिजिकली और मेडिकली आपको फिटनेस भी स्टैंडर्ड को प्रूफ करना होगा यहाँ पे, जितने भी चीजें आपको इसे मांगी गई है। दोस्तों अब बात होगी यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए भी, जो कि यहाँ पे इन ट्रेड्स में वो आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स, इन सभी में वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो फिजिकल डिफिशियंसी है उसमें क्या क्राइटेरिया है यहाँ से वो पढ़ सकते हैं, तभी आप वो आवेदन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों तो ये सारी डिटेल है जो कि मैंने आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से, और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो एप्लीकेंट होंगे वो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये उनको रखा जाएगा, मेरिट लिस्ट उनका बनाया जाएगा आपके जो ITI का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार, ठीक है। और लेकिन जो 10th या 12th में आपका जो है एग्रीगेट 50% होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कीजिएगा, लेकिन मेरिट आपका बनेगा ITI के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। बाकी सारी डिटेल है यहाँ पे जो कि आपके कैलकुलेशन किए जाएंगे जब आपका मेरिट बनेगा, तो उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो कि अगर ITI में जो कम मार्क्स है और वो सिलेक्शन ले रहा है यहाँ पे, तो उसमें उसका मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट चेक किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये सारा डिटेल है, 1 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड में रहना होगा, और स्टाइपेंड जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनको अप्रेंटिस विल अनरोल्ड, जो भी अंडरगो हो गए अप्रेंटिस एक्ट ट्रेनिंग के तहत होंगे, और उनको यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट रूल वही स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये स्टाइपेंड जो है आपकी सैलरी होगी, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अब ये नहीं पूछेगा कि कितनी सैलरी होगी, ये रेलवे के अलग अलग जोन के अलग अलग यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं इनके जो भी अप्रेंटिसशिप के स्टाइपेंड होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सारे डिटेल है यहाँ से जो कि मैंने आपको बताया है फिलहाल अभी, और आपको फॉर्म भरना होगा, और जो भी फॉर्म आपका इनवैलिड हो जाता है यानी कि गलती से कोई फॉर्म भर देते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, पहले आप रिजेक्ट कीजिए देन फिर अप्लाई कीजिएगा, तो नया फॉर्म जो भरिएगा एक नया नंबर एक नया ईमेल आईडी से करके ही भरिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म भरने का ये जो पूरा तरीका है यहाँ पे पैरा नंबर 3 में पूरा बिल्कुल दिया गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म बहुत ही आसानी से भर जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भी जरूर भर के बताया जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि अप्रेंटिस एक्ट 61 के तहत 1961 के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। 3591 पदों की टोटल वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पे सारा डिटेल आप भी चेक कर सकते हैं इनकी वैकेंसीज पे जाके, है ना। कौन से देखिए यहाँ पे सारे डिवीजन दिए गए हैं, जैसे कि ये मुंबई डिवीजन का दिया गया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट को लेकर। टोटल यहाँ वैकेंसी 213 पदों की है, स्लॉट अलॉटेड है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल सीट बताई गई है, टोटल सीट 213 है यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट की, ब्रिज की और ब्रिज इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद दोस्तों ये सारे जो है आपके डिवीजन यानी कि मुंबई में है। अब यहाँ से शुरू होता है दूसरे पेज पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ौदा डिवीजन क्या है। तो यहाँ से बड़ौदा डिवीजन में टोटल पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 92, जो कि आपका किसके लिए है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है, वैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। तो टोटल मिला के बड़ौदा डिपार्टमेंट में 479 पदों की टोटल वैकेंसी है। ये टोटल जब नीचे आइएगा तो ये कंप्लीटली यहाँ पे पता चलेगा कि 489 टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फिर उसके बाद अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर लोअर पैनल, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे महालक्ष्मी वर्कशॉप के लिए, भावनगर वर्कशॉप के लिए, दाहोद के वर्कशॉप के लिए और प्रताप नगर वर्कशॉप के लिए जो कि बड़ौदा में है, और दोस्तों अहमदाबाद के लिए फिर यहाँ जो कि साबरमती में है, उसके बाद साबरमती सिंगल सिग्नल के लिए वर्कशॉप के लिए अहमदाबाद में जो कि इसका रिक्वायरमेंट मांगा गया है। लेकिन 83 पदों का टोटल वैकेंसी ना हेडक्वार्टर में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हेडक्वार्टर है इसका यहाँ पे आपके वेस्टर्न रेलवे का, उसके हेडक्वार्टर में भी आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। 83 पदों की वहां भी वैकेंसी है दोस्तों। तो ये नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे टोटल कंप्लीट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हेडक्वार्टर में देख सकते हैं जो कि कंट्रोल्ड होगा यहाँ पे हेडक्वार्टर के लिए। टोटल यहाँ पे 83, 25 इसमें है, 49 इधर है, तो टोटल मिला के इधर 83 वैकेंसी है। और कंप्लीट अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 3591 पदों की टोटल ये वैकेंसी है यहाँ पे, आप जिसके लिए आवेदन करेंगे। तो ये सारा हो गया वैकेंसी डिटेल विद द डिवीजन सेक्शन। मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया, यहाँ पे एज क्राइटेरिया दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 से 24, लास्ट डेट 24 जून है, आवेदन करने का डेट 25 मई है, और क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं और 12वीं पास के साथ ITI होना चाहिए। हर डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी है, मैं इसका पूरा PDF जो है कि आपको भेज दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सारा जो डिटेल है मैंने आपको यहाँ से कम्प्लीटली भेजा है जो कि इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो यहाँ पे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।